नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। और इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चिन्मयानंद पर आरोप लगाने वाली लड़की गिरफ्तार, एसआईटी ने लड़की को गिरफ्तार किया है। चिन्मयानंद पर आरोप लगाने वाली लड़की गिरफ्तार, एसआईटी ने लड़की को गिरफ्तार किया। कुछ दिनों पहले ही चिन्मयानंद की गिरफ्तारी हुई और अब लड़की की गिरफ्तारी। चिन्मयानंद पर आरोप लगाने वाली लड़की गिरफ्तार, एसआईटी ने लड़की को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप। एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें कि इसके कुछ दोस्त थे, वो भी आपको भारत समाचार ने दिखाया था कि किस प्रकार से उस वीडियो को भी वायरल किया गया था। जैसे लड़की ने वीडियो वायरल किए चिन्मयानंद के लिए, उसके बाद भी वो वीडियो वायरल हुआ था और अब इस लड़की की गिरफ्तारी हुई थी। और अमित सक्सेना शाहजहांपुर से हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। अमित, एसआईटी ने चिन्मयानंद को तो गिरफ्तार किया ही, सारी प्रक्रिया चल रही है, लड़की की गिरफ्तारी भी है, क्या कुछ जानकारी अमित आपके पास? भारत समाचार से मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि अभी अभी बिल्कुल एसआईटी ने लड़की को घर से गिरफ्तार किया। हालांकि 5 करोड़ की रंगदारी के मामले में जो लड़की पीड़िता थी वो भी इसमें सम्मिलित थी। हालांकि आपको ये भी बता दें, कल कोर्ट में इसकी पेशी भी थी जिसके दौरान इन्होंने 438 आईसीसी के तहत एक अर्जी डाली थी, जिसको लेकर 26 तारीख को कोर्ट ने, एडीजी फर्स्ट ने उनको कहा था कि 26 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। तो कुल मिला के एसआईटी को ये एक अच्छा मौका मिल गया था जिसको पूछताछ की जाएगी। तो कुल मिला के आज इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। अमित, पूछताछ में क्या पता चला? एक वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो की सत्यता क्या पता चली है? लड़की का गिरफ्तार आधार क्या? अमित खुशबू आपको बता दें, ये 5 करोड़ की जो रंगदारी मांगी गई थी स्वामी चिन्मयानंद से, तो उसमें जो पीड़िता थी उसकी सम्मिलता इसमें पाई गई थी। हालांकि जो ऑडियो चल रहा है उसमें भी ये बोल रही है कि बाबा बहुत बड़ा वाला है, पैसे वाला है। तो कुल मिला के आज एसआईटी ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। हालांकि पीड़िता को गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि कौन दोषी है। अमित, पीड़िता जो लड़की है उसको गिरफ्तार किया गया, जो उसके दोस्त थे उनको भी गिरफ्तार किया गया, उनसे क्या कुछ पता चल पाया है? अमित देखिए खुशबू बता दे, पीड़िता के जो दोस्त थे उनको पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है एसआईटी, उनको जेल भेज चुकी है। लेकिन कल जो दो दोस्त थे उसके, विक्रम और सचिन, उसको हिरासत में लेकर रिमांड पर लेकर, हालांकि उसको राजस्थान ले जाया गया जहां पर वो मोबाइल फेंका गया था। जी अमित, पूछताछ हो रही है अभी, क्या लगता है कब तक क्लियर हो पाएंगी चीजें और वीडियो की सत्यता के बारे में कब तक पता चल पाएगा? अमित देखिए खुशबू आपको बता दें, अभी मैं इस पर चौक कोतवाली में मौजूद हूँ जहाँ पीड़िता भी यहाँ मौजूद है। पीड़िता से जो दस्तावेज है, जो डॉक्यूमेंट है, उनको अब पूरा किया जा रहा है, उसके बाद इसको ये मेडिकल के लिए जाया जाएगा, फिर कहीं जाकर उसको जेल भेजा जाएगा। अमित, जेल भेजा जाएगा आप ये कह रहे हैं लड़की को? बने रहिए अमित आप हमारे साथ। अवैस हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए इसी खबर पर। अवैस, इस वक्त की बड़ी खबर जो भारत समाचार बता रहा है वो ये कि लड़की की भी गिरफ्तारी हो गई। अवैस, मतलब कुछ ना कुछ जरूर दाल में काला है, जो वीडियो वायरल हुआ था मतलब उसमें कुछ ना कुछ बात पाई गई है। अवैस, मतलब साफ है जी? बिल्कुल, देखिए दाल काली ही है पूरी तरह से, क्योंकि कल ही लड़की ने उत्तर प्रदेश की एक अदालत में अपनी जमानत याचिका जो है, अग्रिम जमानत याचिका वो दाखिल की थी और कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, आज उस पर सुनवाई के लिए कहा था। तो अब उससे सुनवाई से पहले ही पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, जैसा कि भारत समाचार ये खबर बता रहा है। और अब थोड़ी देर बाद उसको मेडिकल के लिए ले जाएगा, उसका फिर कोर्ट में जो पेश किया जाएगा और वहाँ से जो है उसकी न्यायिक हिरासत की मांग की जाएगी या फिर जो पुलिस कस्टडी की मांग होगी वो पुलिस कर सकती। तो अब ऐसे में देखना होगा कि ये मामला कितना, क्योंकि बहुत ही गंभीर मामला है। एक साथ दो जब चिन्मयानंद को गिरफ्तार किया था, उसी दिन पीड़िता के 3 दोस्तों को भी रंगदारी के मामले में गिरफ्तार किया। 5 करोड़ की रंगदारी का आरोप जो है वो लगाया गया चिन्मयानंद की तरफ से। उसके बाद से फिर लगातार ऐसा लग रहा था कि लड़की भी जो है, जो पीड़िता है, उसको भी जल्दी ही गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ऐसे में आज जो इस तरह से गिरफ्तारी हुई है उससे साफ ये लगता है कि कुछ ना कुछ तो मामला गड़बड़ है, क्योंकि अब चूंकि मामला पूरी तरह से कोर्ट में चला जाएगा। दोनों ही मामले, एक तो चिन्मयानंद वाला जो रेप आरोप वाला मामला है वो कोर्ट में, उसकी प्रोसीजिंग चल रही है, उसके अलावा अब जब पीड़िता को भी गिरफ्तार किया जाएगा, पूछताछ हुई करेगी पुलिस जो है, उसके बाद फिर कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो वहाँ ये बात साफ निकल कर आएगी कि असल में माजरा क्या है, क्या लड़की ने जो आरोप लगाया है वो सही है या नहीं सही है, या फिर जो रंगदारी की बात सामने आ रही है उसमें कितना सच है। ये दोनों बातें जो हैं वो अब कोर्ट में ही साबित हो। ये पहला स्टेप है कि चिन्मयानंद भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अब आज लड़की भी गिरफ्तार की जा चुकी है, और उससे पहले भी 3 दोस्तों को गिरफ्तार किया गया था, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी और हो सकता है कि उन्हीं के आधार पे
उन जो दोस्तों से पूछताछ की जाए थी उस आधार पे ही लड़की को भी गिरफ्तार किया गया, क्योंकि बहुत ही शुरू से ही इस मामले में जो है थोड़ी ढिलाई जो है दिखाई दे रही थी। SIT गठन की थी, उसके बाद से लड़की दिल्ली आती है, FIR करती है, फिर चिन्मयानंद को गिरफ्तार किया जाता है अचानक। उसके बाद फिर से नया स्टेप, नया जो कहा जाए मोड़ आ गया था पूरे मामले में, वो ये आया था कि चिन्मयानंद के खिलाफ, चिन्मयानंद की तरफ से लड़की के खिलाफ ही एक FIR दर्ज कराई थी। तय है कि एक तरफ जब ये पूरा मामला सामने आया, वीडियो पे वीडियो दिए गए और पीड़िता ने कहा कि क्या आप लोग एक्शन तब लेंगे जब मैं आत्महत्या कर लूंगी, SIT ने उसके बाद ये गिरफ्तारी की और चिन्मयानंद की गिरफ्तारी हुई। दूसरी तरफ वो जो वीडियो वायरल हुआ, लेकिन बड़ी बात अवैसे एक ये भी है कि लड़की ने जो पीड़िता है उसने अग्रिम जमानत ले रखी थी, ये बात थोड़ी सी समझ से परे है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे शायद डर था कि उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। जी बिल्कुल, इस बात से ही साफ होता है कि जो वीडियो आया था पीड़िता का जिसमें वो रंगदारी की मांग करी, वो कितना सच है, क्योंकि अगर उसको डर नहीं होता तो वो अग्रिम जमानत याचिका क्यों दाखिल करती और क्यों वो ये बात कोर्ट में कहती कि मुझे गिरफ्तारी का डर है और मुझे अग्रिम जमानत याचिका दी जाए। तो इसी बिना उसको कहीं ना कहीं डर रहा होगा और उसको लग रहा होगा कि जो वीडियो वायरल हुआ है वो हो सकता है कि सच हो। इस बारे में हम तो पुष्टि नहीं कर सकते, मगर जहां तक पुलिस का सवाल है, पुलिस ने उसी आधार पे ही जो है तीन दोस्तों को भी गिरफ्तार किया और अब फिर पीड़िता तक भी पहुंच चुकी है और उसको गिरफ्तार कर लिया। तो साफ तौर पे देखा जा सकता है जिस तरह से पीड़िता का वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद फिर जो उसने अग्रिम जमानत याचिका उत्तर प्रदेश की एक अदालत में लगाई थी और कोर्ट ने आज सुनने की मांग की थी, आज सुनवाई होनी उस पर, तो अब देखना ये होगा कि अब क्योंकि ऐसे में अगर गिरफ्तार आज हो जाती है, कोर्ट से उसको न्यायिक रिमांड पे भेज दिया जाता है या फिर पुलिस रिमांड पे भेज दिया जाता है, तो उस अग्रिम जमानत याचिका का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि इस तरह का मामला जो है वो हमने पी चिदम्बरम के मामले में भी देखा है। अब उसको अगर पीड़िता को लगता है कि उसको गिरफ्तार नहीं किया जाए तो वो दूसरी जमानत याचिका जो है वो लगाएगी, जो होगी पुलिस कस्टडी या न्यायिक हिरासत जो होगी उसके खिलाफ जो है वो एक नई याचिका दाखिल कर सकती है। मगर क्योंकि जिस तरह से उसने एक अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी उससे साफ तौर पे दिखता है कि पीड़िता कहीं ना कहीं डरी हुई थी और उसको ये आभास पहले से हो गया था कि इस मामले में अब उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। चलिए पल पल नजर बनी हुई है भारत समाचार की इस खबर पर, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अहम जानकारी आपको भारत समाचार ये बता रहा था कि लड़की की भी गिरफ्तारी हो गई है चिन्मयानंद मामले में जो पीड़िता है। देखना यह होगा कि आज क्या कुछ अब इस पूरे मामले में होता है। बहरहाल खबरों में बात अब मेरठ की, जहां पर गंगनहार के सखरे पुल में कार गिरी है। गंग नहर के संखरे पुल में कार गिरी है, कार में मुसाफिर होने के अंदेशा लगाया जा रहा है। पुलिस की मदद से कार निकालने की कोशिश, जेसीबी मशीन ट्रैक्टर भी मंगवाए गए। कार को निकालने की मशक्कत जारी है। किठौर थाना क्षेत्र की गंग नहर में हादसा हुआ है, जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर भी मंगाए गए। कार को निकालने की मशक्कत लगातार जारी है, क्योंकि कार में गंग नहर के संखरे पुल में कार गिरी है और कार में मुसाफिर होने का अंदेशा है। किठौर थाना क्षेत्र की गंग नहर में यह हादसा हुआ है, जहां पर जेसीबी और मशीन ट्रैक्टर भी मंगवाए गए हैं। तो गंग नहर के संखरे पुल में कार गिरी है, किठौर क्षेत्र के गंग नहर का मामला है। देखिए गंग नहर के संखरे पुल में कार गिरी है। कार निकालने की कोशिश लगातार जारी है, जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर भी मंगाए गए। किठौर क्षेत्र के गंग नहर में यह हादसा हुआ है। हापुड़ की खबर है, जहां पर टायर फैक्ट्री में लगी है भयंकर आग। अज्ञात कारणों से फैक्ट्री में आग लगी है। फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मची है। आग से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। अज्ञात कारणों से फैक्ट्री में आग लगी है। फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मची है। धौलाना के फैक्ट्री एरिया का मामला है। आप तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि कितनी भयंकर ये आग, हर तरफ आग ही आग और धुआं ही धुआं। धौलाना के फैक्ट्री एरिया का ये मामला है। आप तस्वीरें देखिए, टायर फैक्ट्री में भयानक आग लगी है। अज्ञात कारणों से फैक्ट्री में ये आग लगी है और आप तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि कितनी भयंकर ये आग लगी है। हर तरफ सिर्फ धुआं है और आग है, भयंकर आग, लाखों का नुकसान। फैक्ट्री में आग लगी है, टायर फैक्ट्री में। चंदौली की खबर है, जहां पर ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत हुई है। सड़क पार करते समय दर्दनाक हादसा हुआ है। ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत हुई है। सड़क पार करते समय दर्दनाक हादसा।
सदर कोतवाली क्षेत्र के NH2 की घटना है। सदर कोतवाली क्षेत्र के NH2 की घटना, ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत हुई है। चंदौली से खबर, सड़क पार करते समय ये दर्दनाक हादसा हुआ। सदर कोतवाली क्षेत्र के NH2 की घटना, ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत हुई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के NH2 की घटना है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत हुई है। हापुड़ से खबर है, जहां पर तेज रफ्तार कार ने बाप बेटे को रौंदा है, बाप की मौके पर ही दर्दनाक मौत। बेटे की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और अब आपको सीधे लिए चलते सीएम योगी आदित्यनाथ 3 तलाक पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।